इधर धनबाद के बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना के समीप खोखी बीघा गांव में बीसीसीएल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बीसीसीएल अधिकारियों की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने अनियमित तरीके से ग्रामीणों को विस्थापित करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का मानना है कि ग्रामीणों को रोजगार के साथ समुचित व्यवस्था के साथ विस्थापन मुहैया कराना बीसीसीएल की जिम्मेदारी है। इधर अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पर्याप्त मात्रा में सीआईएसएफ बल भी मौजूद रहे। कितने लोग आए हैं? और ये जेएमपी का एरिया मास्टर प्लान के तहत भी ये साइट हमारा जो अंकित है, इसमें आग बढ़ता जा रहा है, भूदशान और कभी भी आग बढ़ने की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन लोगों को ऑलरेडी हम लोग नोटिस दिए थे। 3 नोटिस देने के बाद उनके पास जो भी जमीन का कागजात है, आप लाइए, ये सब कीजिए, इन्होंने कुछ नहीं दिया अपने फेवर में, तो इनको फाइनल नोटिस भी दे दिया गया है कि आप यहाँ से खाली कीजिए। लेकिन ये लोग खाली नहीं किए हैं, तो हम लोगों ने एसडीएम को लिखा था। एसडीएम ने एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं जो सीआईए अभी यहाँ पर बागमारा नरेंद्र सिंह साहब हैं, उनको नियुक्त किया गया है, उनकी देखरेख में। और हमारे ये पुलिस, अपना बागमारा पुलिस और अपना सीआईएसएफ, हम लोग सारे लोग आए, इनसे बात किए, इनकी पूरी जो स्थिति है उससे अवगत कराए और इनको पुनः बोले हैं कि 15 दिन में आप खाली कीजिए। हम लोग को साइट चाहिए, हम लोग नौकरी दिया जाए और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। मरने दीजिए, हम कुछ नहीं, अग्नि पर उसको नजर में क्या आग लगा हुआ, तो हम लोग नजर में नहीं आग लगा हुआ। हम लोग यही, जब तक हम लोग मांग नहीं पूरी करेंगे। पारित हुआ वो रैयत शिफ्टिंग के बारे में तो बीसीसीएल बताएंगे कि क्या उसका प्रोविजन है। इनके प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 30 लोगों का के लिए अलॉट किया गया है जेआरडीए के तहत, वापस टिकट लाना और 20,000 रुपया सामान का शिफ्टिंग के लिए। ग्रामीणों से वार्ता हुई, ग्रामीणों का काफ़ी प्रतिरोध है, इन लोग रोजगार भी साथ में खोज रहे हैं कि रोजगार मिले और शिफ्टिंग यदि नज़दीक में।